हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरें। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज तारीखों का ऐलान भी हो गया है। भाजपा के जो यहां से खरखुदा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, आज हम उनका जिक्र करेंगे। पहले हम कांग्रेस के बता चुके हैं और इस बार का मुकाबला है काफ़ी टक्कर का माना जा रहा है। तो जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो पिछले काफ़ी समय से अपनी टिकट की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच जैसे ही जजपा और भाजपा का संबंध टूटा और पवन खरखोदा बीजेपी में आ गए, तो अब टिकट को लेकर बीजेपी में वो प्रबल दावेदार के रूप में भी देखे जा रहे हैं। हालांकि मीना नरवाल ने पिछला चुनाव खरखोदा से लड़ा था और 20,500 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे, लेकिन इस बार हालात और दूसरे हैं। और पिछली बार जो पवन खरखोदा हैं जयवीर से करीब 1400-1500 वोटों से हार गए थे, तो अब की बार जो समीकरण बनेंगे वो मौके पर ही पता चलेगा। लेकिन अब तक का जो भाजपा का ग्राफ है यहाँ पे हरियाणा के खरखोदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें और यहाँ पर बीजेपी के जो अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है, आज हम उनका जिक्र करेंगे। तो इस दौड़ में जो खरखोदा विधानसभा में भाजपा की टिकट का जो खुद को सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं वो पवन खरखोदा खुद को दावेदार मान रहे हैं। हालांकि पवन खरखोदा कई पार्टियों में जा चुके हैं और पार्टियों को छोड़ चुके हैं। इस बारे में हमने उनसे क्वेश्चन किया भी था कि आप किसी पार्टी में टिकते नहीं हैं, तो इस पर उनका जवाब था कि उन्होंने कभी किसी पार्टी को धोखा नहीं दिया, उल्टा उन्हें ही कई बार मायूसी मिली है। पहले जब वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे तो तब भी उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो भाजपा पार्टी में चले गए थे और जब भाजपा ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया अगले चुनाव में, तो फिर उन्होंने भाजपा को भी छोड़ दिया था और जजपा पार्टी से चुनावी मैदान में आ गए थे। तो अब उन्होंने, जैसे दोनों पार्टियों का आपसी संबंध टूटा, तो अब उन्होंने जजपा का भी साथ छोड़ दिया है और अब वो पिछले कुछ दिनों पहले भाजपा में आ गए हैं। चर्चा ये भी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन दोनों की मुलाकात और उनसे चर्चा के बाद और टिकट के आश्वासन के बाद ही वो भाजपा में आए हैं। और पिछली बार का भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पिछली बार भाजपा पार्टी पवन खरखोदा को टिकट दे देती तो शायद पवन खरखोदा यहां से काफ़ी मतों के अंतराल से जीत जाते, ऐसा उनका मानना है। तो अब फिर से वो भाजपा में आ गए हैं, तो अब फिर से उनका ये मानना है पवन खरखोदा का कि उन्हें टिकट इस बार मिलेगी, इस बार उन्हें भाजपा से निराशा नहीं मिलेगी और वो खरखोदा हलके से भाजपा का चुनाव, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और पब्लिक का साथ उनको मिलेगा और वो यहां से जीत दर्ज करेंगे। उनका ये मानना है कि अब की बार जो चुनाव है नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नायब सैनी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और लगातार लोगों हरियाणा के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जिससे हरियाणा का खूब भला होगा। बात चाहे किसानों की हो, महिलाओं की हो, व्यापारियों की या दूसरे वर्ग की हो, इसका फायदा हरियाणा प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो जो पवन खरखोदा हैं वो खुद को सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं और अगर पवन खरखोदा को टिकट मिला भाजपा का, तो इसमें कोई शक नहीं कि खरखोदा से कांग्रेस और भाजपा में टक्कर का मुकाबला बन जाएगा। अब दूसरे अगर आगे बात करें तो मीना नरवाल जो जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं और चेयरमैन रहने के बाद उन्हें खरखोदा से भाजपा का टिकट मिला था, लेकिन उन पर ये आरोप साथ साथ लगा रहा कि वो भी बाहरी उम्मीदवार हैं, खरखोदा हलके की रहने वाली नहीं हैं, उनका निवास स्थान दूसरा है, तो खरखोदा हलके के व्यक्ति को टिकट
कांग्रेस या भाजपा क्यों नहीं दे रही, ऐसा पिछली बार उन पर आरोप लगा था। लेकिन उन्होंने पिछली बार भी अच्छी मेहनत की थी और अच्छी मेहनत का नतीजा ये हुआ था कि वही एक ऐसी भाजपा टिकटार्थी रही जो अपनी जमानत बचाने में कामयाब तो रही ही, साथ ही 20,500 वोट से ज़्यादा वोट वो यहाँ से लेकर गई। तो उनका जो बैकअप है और वो पिछले काफ़ी तभी से अब तक वो लगातार जनता के संपर्क में है और अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। उनका ये मानना है कि उन्होंने पिछले 5 साल और उससे पहले खूब संघर्ष किया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया है, अभी भी वो लगातार कार्य कर रही हैं और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लगातार जनता तक भेज रही हैं। तो उनका भी मानना है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा और वो भविष्य में जीत भी दर्ज करेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि संगठन विस्तार में और दूसरे जो भी भाजपा पार्टी के या संगठन के जो भी कार्य होते हैं वो उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लोगों के कामकाज कराने में वो लगातार आगे रही हैं। ऐसा मानते हुए वो टिकट की प्रबल दावेदार के रूप में उन्हें भी देखा जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी अगर टिकट मिलता है भाजपा का तो अच्छी फाइट खरखोदा में होगी। तो ये भाजपा से मीना नरवाल थी। इसके बाद भाजपा से प्रीतम खोखर भी चुनाव मैदान में हैं। वो भी लगातार काफ़ी समय से डोर टू डोर, गांव टू गांव संपर्क में लगे रहते हैं और जो खरखोदा या आसपास के गांव के विकास की बात है उसके लिए भी लगातार चंडीगढ़ तक अपनी पहुंच रखते हुए वहां से काम कराने के लिए लगातार लगे रहते हैं और खरखोदा में पानी निकासी की समस्या को लेकर भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और जिसके बाद करीब 11 करोड़ रुपए की राशि मंजूर भी हुई जिससे काम चल रहा है। इसी तरीके से जो अंबेडकर पार्क है उसके निर्माण में भी इन्होंने खूब भूमिका अदा की, उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। तो वो भी लगातार भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और खुद को एक अच्छा उम्मीदवार उनका मानते हैं, अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वो भी फाइट में होंगे, ऐसा उनका मानना है। इनके बाद रविंदर दिलावर की भी काफ़ी चर्चा है कि इन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार जब टिकट वितरण का मामला चला था तो रविंदर दिलावर का भी टिकट के पैनल में नाम चला था, ऐसी खूब चर्चाएं चली थी। कई बार अनाउंस होते होते भी इस तरह की भी थी कि भाई उनका नाम अनाउंस हुआ है, लेकिन वो फर्जी न्यूज़ थी, अनाउंस उनका नहीं हुआ था, अनाउंस मीना नरवाल का हुआ था। तो जो रविंदर दिलावर हैं इनकी भी काफ़ी चर्चा पिछली बार भी रही थी, अब भी इनका संगठन में अच्छा महत्व है तो ये भी टिकट की लाइन में हैं। इसी चरण में जो भाजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जसबीर दोदवा, ये भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और अगर इन्हें भाजपा का टिकट मिला तो ये खरखोदा से चुनाव मैदान में जयवीर के सामने हो सकते हैं या कांग्रेस किसी को भी टिकट दे उसके सामने ये चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा जो पार्षद हैं मौजूदा हाल में रोहणा के हैं, जो भोला पार्षद, इनका भी नाम कई बार लिस्ट में चर्चा में रहता है। और इसके अलावा कवाड़ी गांव से दो उम्मीदवार और चुनावी मैदान में आ सकते हैं, वे भी टिकट के लिए उन्होंने फार्म भरा हुआ है, उसमें ओम प्रकाश कवाड़ी और जो प्रीति सरपंच हैं कवाड़ी की, वो भी प्रीति जो सरपंच है कवाड़ी की, सरपंचों ने इनके नेतृत्व में एक मीटिंग करके ये ऐलान भी किया था अगर प्रीति को टिकट मिलता है तो जो सरपंच हैं गांव के, विभिन्न गांव के सरपंच एकत्रित हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि वो उसके पक्ष में वोट करेंगे क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो दहिया हैं और अगर बिरादरी की बात करें तो वो जाट बिरादरी से हैं, जबकि ये उनकी वाइफ हैं ये एससी बिरादरी से हैं, तो वो एससी बिरादरी से होने के नाते खरखोदा से टिकट मांग रही हैं और वो चुनाव लड़ सकती हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो किस तरह का समीकरण होगा ये बाद में ही पता चलेगा। तो इस तरह से कई उम्मीदवार, राजू दाणक का नाम भी चर्चा में है, हक भाई वो भी टिकट मांग रहे हैं, अगर उन्हें टिकट मिला तो वो भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। राजू दाणक पहले
इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो भाजपा पार्टी में हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इसके अलावा भाजपा के और भी कई उम्मीदवार हो सकते हैं जो नीचे ही नीचे फार्म भरे हुए हैं या वो टिकट मांग रहे हैं। कोई पैराशूट से उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतर सकता है। वो भाजपा के संगठनात्मक जो सिस्टम है उस पर और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं या जो भी संगठन है, जिस तरह से टिकट वितरण होता है उसमें क्या क्या पैनल रहता है, कैसे प्लानिंग होती है, कौन हैवी होता है टिकट लेने में और क्या समीकरण बनते हैं, इस तरह का पूरा देख करके ही टिकट फाइनल होती है। और वो टिकट फाइनल होगी तब तक पता चलेगा अब भाई कौन मैदान में उतरा है, कौन नहीं उतरा है। तब तक कि इनकी सांसें अटकी ही रहेंगी, ऐसा पिछली बार भी हुआ था और हर बार हर पार्टी के साथ ऐसा ही होता है। बात अगर भाजपा और कांग्रेस की करें तो इस बार ना तो भाजपा पूरी तरह से फॉर्म में है और ना ही कांग्रेस फुल फ्लेश फॉर्म में है। दोनों ही पार्टियां एक टक्कर के मुकाबले में है। बात अगर पूरा हरियाणा की करते हैं तो दोनों ही पार्टियां टक्कर में हैं। तो इस बार जो टिकट वितरण का मामला है, दोनों ही पार्टियां बड़ी सूझबूझ के साथ टिकट वितरण करना चाह रही हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से जिताऊ कैंडिडेट को ही लाना चाह रही हैं। तरह तरह के सर्वे किए जा रहे हैं, सभी पार्टियां सर्वे करा रही हैं, डिटेल्स ले रही हैं, फील्ड में उतरी हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सके। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी टिकट वितरण को लेकर करीब 54 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उसमें जो पीछे जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं कुलदीप काकरण जी, उन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में जाकर खरखोदा हलका से टिकट मांगा है। इस तरह के बहुत से दावेदार हैं। और जब दीपेंद्र का प्रोग्राम हुआ था अभी लास्ट वीक, तो उसमें भी खूब जो टिकट मांगने की, टिकट कटवाने की जो चर्चाएं थी वो खूब बोली गई थी, नारे लगाए गए थे, टिकट काटने के भी नारे लगाए गए थे, टिकट देने के भी नारे लगाए गए थे। तो इस तरह का मामला भी प्रकाश में आया था। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D-4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।